दादर आए और बापा का दर्शन न करे ऐसा हो सकता है। वन ऑफ द फेमस आइकॉनिक लैंडमार्क जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम दादर के सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो देर ना करते हुए हम पहुंचते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। लेट्स गो। दादर सीरीज की शुरुआत हम स्वामी के दर्शन करके करते हैं। श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज जी के मठ में जाके उनके दर्शन करते हैं। आइए मेरे साथ, आपके भी दर्शन कराता हूँ। शिवसेना भवन के पास वाले लेन में है स्वामी का मठ। और बापा का दर्शन ना करे ऐसा हो सकता है। हम अभी जा रहे हैं श्री सिद्धिविनायक मंदिर दादर में, तो आइए चलिए आपके भी बापा का दर्शन करवाता हूँ। दादर के लास्ट सीरीज के व्लॉग में हम यहाँ पर आए थे, तब भी यहाँ सिद्धिविनायक मंदिर में सिंदूरी लेपन का काम चल रहा था। के दर्शन अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, आइए मेरे साथ। तो हम हैं अभी छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में। लास्ट मंथ हमने यहाँ पर एक ब्यूटीफुल फेस्टिवल अनुभव किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क आर्ट फेस्टिवल को। काफ़ी खूबसूरत फेस्टिवल था भाई, ये फेस्टिवल डेडिकेटेड था दादर करके लोगों के लिए और मुंबई करके लोगों के लिए। तो देखिए इस फेस्टिवल का कुछ झलक। अभी हमें मामा कांडे उपहार गृह में, यहाँ का फेमस हेरिटेज आइकॉनिक होटल है, 1 सेंचुरी ईयर ओल्ड, 100 साल पुराना। तो आइए यहाँ से फूड कुछ ट्राई करते हैं। यहाँ का फेमस मैंने सुना है बटाटा बड़ा और थाली पीट। आप यहाँ पर कितने टाइम से आ रहे हो? अरे मैं तो अभी कम से कम 25-30 साल से मैं आता हूँ, इधर आता हूँ तो इधर कुछ ना कुछ खा के ही जाता हूँ। ये आपने क्या मंगाया? अभी राइस, मेरे दोपहर का टाइम है, मेरे को और 4-5 जगह जाना है। ओके, तो मैंने अभी इसको राइस प्लेट मंगाया है। सर कांदा भजी ट्राई कीजिए। अंकल जो यहाँ से 25-30 साल से आ रहे हैं, उन्होंने हमें कांदा भजी ट्राई करने के लिए दिया है। अच्छा होगा, तो आ गया है हमारा ऑर्डर। ये है फेमस यहाँ का बटाटा वड़ा, और ये थाली पीट, और ये कोकोनट की चटनी, और ये गन पाउडर। तो आइए चलिए ट्राई करते हैं। और ये पीयूष है, इसे भी हमने ऑर्डर किया है। फिनिश करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हम हैं दादर के वन ऑफ द फेमस आइकॉनिक लैंडमार्क प्लाजा सिनेमा के पास। इस सिनेमा का निर्माण हुआ है 1930 में। तो आइए चलिए देखते हैं इसे पास में से। यहाँ पर काफ़ी सारे मराठी और हिंदी मूवीज प्ले किए जाते हैं। सिंगल स्क्रीन का ये सिनेमा, 880 सीट्स है इस सिनेमा में।
Plaza is a single screen cinema hall in the Dadar locality of Mumbai, Maharashtra. Plaza was one of the three cinema halls screening film in the 7th Asian Film Festival. The cinema was one of the 13 places where bomb blast occurred in Mumbai on 12th March 1993. अभी हमें प्लाजा सिनेमा के अंदर और यहाँ पर इन्होंने हमें इन्फो दिया है कि यहाँ पर काफ़ी सारी फेमस मराठी मूवीज लगती है. दादर करके लोगों का पसंदीदा मराठी मूवी का ये स्पॉट है भाई. यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज लगती है. अभी आने वाले फ्राइडे को भी एक नई मूवी आने वाली है. क्या आपको पता है दादर में हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर का एक रेसिडेंट भी है? जी हाँ, सही सुना आपने, स्वतंत्र वीर सावरकर जी का रेसिडेंट है. उनका रेसिडेंस का नाम है सावरकर सदन. आइए चलिए, हम और आप दोनों चलते हैं उनके रेसिडेंट पे और जानते हैं दो बात उनके बारे में. वीर सावरकर, द फ्रीडम फाइटर एंड अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी, स्पेंड नियरली 30 ईयर ऑफ हिज लाइफ इन ए लार्ज हाउस इन शिवाजी पार्क. There is a small museum of Savarkar belonging at this place ground floor, open after 4:30 PM. तो अभी हम हैं हमारे next destination पे प्रकाश सहकारी उपहार गृह में. यहाँ का भाई काफ़ी सारे recommendation आए थे मेरे subscriber के थ्रू. यहाँ के साबुदाने बड़े काफ़ी अच्छे हैं. तो आइए चलिए try करते हैं यहाँ पर. हमने लिया है साबुदाना वड़ा और ठंडा ठंडा कोकम शरबत. देखकर ही काफी टेम्प्टिंग लगता है. आइए चलिए ट्राई करते हैं इसे. ये सब फिनिश करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर. मेरे सामने है दादर ईस्ट स्टेशन और हम हैं स्वामीनारायण मंदिर के पास में. दादर टीटी सर्कल पे भाई. ये टीटी का मतलब क्या है? हम हैं दादर टीटी सर्कल पे, दादर ईस्ट में. टीटी का फुल फॉर्म है ट्रैम टर्मिनल्स. जी हाँ, 1874 में ट्रैम सर्विसेज का इनॉग्रेशन हुआ था. ये ट्रैम हॉर्सेस पुल करती थी. पहली ट्रैम थी हमारी कोलाबा से लेके पायदुनी और कोलाबा से लेके दादर. दादर इसका लास्ट पॉइंट था. यहाँ पर ट्रैम की सर्विसेज टर्मिनेट होती थी. पहले ट्रैम हॉर्सेस पुल करते थे, घोड़े पुल करते थे और 1907 में हॉर्स को रिप्लेस करके ये इलेक्ट्रिक ट्रैम चलाई गई. 1964 में मुंबई में ट्रैम सर्विस कम्प्लीटली बंद हो गई. ये सर्कल जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वही है ट्रैम का टर्मिनल पॉइंट. यहाँ पर ही ट्रैम सर्विसेज टर्मिनेट होती थी जो भी कोलाबा से दादर की ओर आती थी. दादर टीटी सर्कल को खुदादे सर्कल भी कहा जाता है भाई. ये दादर स्टेशन से भाई 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस पे है.
तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, खास कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके भाई को छोटा सा हेल्प मिलेगा। आज के दादर सीरीज में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए धमाकेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।